हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अमन शर्मा, हमारे यूट्यूब चैनल वन गोल इनफ पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज यानी RIMC देहरादून के बारे में, और यह वीडियो हमारे RIMC सीरीज का फोर्थ वीडियो है यानी कि पार्ट 4, जिसमें कि हमने आपसे पहले ही वादा किया था कि इसमें हम आपको बताएंगे कि 2018 का जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है यानी ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट, उसको देखते हुए आप इस साल के दिसंबर 2019 वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यह डाटा मैंने बहुत ही मेहनत से तैयार किया है। तो प्लीज, यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि हमें भी और अच्छा काम करने की मोटिवेशन मिले और आपका सपोर्ट मिले। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम। आप ये डाटा देख पा रहे हैं, ये डाटा बनाया गया है कि ऑल इंडिया लेवल पर किस स्टेट से कितने कैंडिडेट्स जो हैं सिलेक्ट हुए हैं। और हमने यह पहले ही डिस्कस किया था कि एक स्टेट से मात्र एक ही कैंडिडेट सिलेक्ट होगा, लेकिन कुछ कुछ स्टेट से एक से ज्यादा हो सकते हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी, जैसे कि महाराष्ट्र और यूपी के बारे में हमने बात की ही थी। आप देख पा रहे हैं कि आंध्र प्रदेश से केवल एक ही कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है और एक कैंडिडेट को रिजर्व रखा गया है। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट और रिजर्व कैंडिडेट्स के बीच में जो मार्क्स का डिफरेंस होता है, उसे भी हम बड़े अच्छे से जानेंगे। आगे अरुणाचल प्रदेश से कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ, सिमिलरली असम से भी कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ। तो आप पूरी डिटेल देख ही पा रहे हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और इस डाटा को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि यदि मैं एक एक स्टेट का बताने लगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और अब यहाँ पे आप फोर्थ कॉलम में देख पा रहे हैं रिमार्क्स, जहाँ की लिखा गया है कि ऑल इंडिया जो टॉपर रहे हैं जुलाई 2018 वाले सेशन में, उनके मार्क्स थे 352.5। सेकेंड नंबर पे हमने रिमार्क्स में लिखा है कि मार्क्स ऑफ द लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट जो कि रहे हैं 294.90, और जो मार्क्स ऑफ द लास्ट रिजर्व कैंडिडेट रहे हैं वो रहे हैं 295। फ्रेंड्स, यह मैंने आपको इसलिए बताया है कि आप देख पाए कि ओवरऑल जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वह मिनिमम कितने मार्क्स पे होगा, ताकि आप भी खुद को उस लिए प्लान कर सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि 80% पे आप ऑल इंडिया टॉपर सिलेक्ट हो गए हैं जुलाई 2018 में। तो 19 के लिए आपको क्या करना चाहिए, चलिए इस बारे में हम बात करते हैं। फ्रेंड्स, यह ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट दिसंबर 2017 वाला एग्जाम, जिसकी ज्वाइनिंग जुलाई 2018 में हुई थी, उसके सभी स्टेट्स के सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स और रिजर्व कैंडिडेट्स की एक लिस्ट है। यहाँ पे ऑल इंडिया मेरिट वाइज हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट कैंडिडेट ने 352.5 मार्क्स स्कोर किए हैं, जैसा कि हमने पहले ही बात की। फिर जो ऑल इंडिया लेवल पर सेकेंड रैंक है जिनका, उनके मार्क्स हैं 342.75। जो थर्ड रैंक पर हैं उनके हैं मार्क्स 338। मैं सभी आगे नहीं कंटिन्यू कर सकता, वीडियो लंबा होगा, तो आप इसे भी पॉज करिए और देखिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं राइट साइड पे, आप देखिए 43 नंबर पे जो है लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं और उनके मार्क्स हैं 250, और उनके नीचे 44 नंबर पे जो लास्ट रिजर्व कैंडिडेट हैं उनके मार्क्स हैं 244। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप यह समझिए कि ट्रेंड यह कहता है कि आपको, यदि आप ओवरऑल 80% मार्क्स ले पाए तो आप ऑल इंडिया मेरिट में फर्स्ट नंबर पर भी आ सकते हैं, और लास्ट सिलेक्टेड और रिजर्व कैंडिडेट के मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आप अराउंड 65% पे सिलेक्ट भी हो सकते हैं, यानी कि रिकमेंड हो सकते हैं वहां पे ज्वाइन करने के लिए। तो यह सब कुछ सभी संभव हो पाएगा जब आपने सबसे पहले क्राइटेरिया फुलफिल किया हो, मिनिमम 50% इन ईच सब्जेक्ट। सो प्लीज फोकस कीजिए मिनिमम 50% इन ईच सब्जेक्ट पे, और उसके बाद अपने फेवरेट सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, ताकि वो आपको मेरिट लिस्ट में लाने के लिए आपका काम कर सके। इसी प्रकार से हम आपको और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और डिटेल्स देते रहेंगे, आपके लिए डाटा बनाते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। सो प्लीज आप भी हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, और हमारे इससे पहले वाले सभी वीडियोस को देखिए, पार्ट 1, 2, 3, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तभी आपकी रेलिवेंसी, आपका एक कंटिन्यूशन बन पाएगा और आप RIMC से रिलेटेड सभी जानकारी जान पाएंगे। इन सबके साथ हमारी ओर से एक और इनिशिएटिव लिया गया है, हम RIMC की तरह ही RMS और सैनिक स्कूल की भी सभी डिटेल्स एक सीरीज बनाकर आपको दे पाए, आप उसके लिए भी हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप अपने सभी डाउट्स हमसे व्हाट्सएप या मिस कॉल देकर भी पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं।